जिस तरीके से घर में सिटिंग रूम होता है, डाइनिंग रूम होता है, और इसके अलावा क्या है, दूसरा बहुत सारे कमरे हुआ करते हैं जो मखसूस काम के लिए रखे जाते हैं, मुसल्ली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तुम्हारे घर में कमरा ऐसा भी होना चाहिए जो घर वाले की मस्जिद हो, यानी घर वाले सब उस जगह पर पहुँच कर अपनी इबादत करें, अपनी नमाज पढ़े। हजरत शेख नवर फरमाते थे कि इनके दादा, जिनका नाम इस्माइल था, उनके दादा ने अपने घर में एक जगह बना रखी थी और 24 घंटे अल्लाह तबारक व ताला की इबादत उस कमरे में होती रहती थी। यानी हजरत मौलाना यहिया साहब मुताला करते थे, हजरत मौलाना इलियास साहब मुताला करते थे, जिक्र करते थे, और हजरत मौलाना इस्माइल साहब रात को उसमें तहज्जुद पढ़ते थे, दिन में कोई ना कोई उसमें होता था। तो घर में ऐसा होना चाहिए, लेकिन आजकल तो हालत ये है कि घर में मस्जिद के लिए कमरा बनाया तो डरते हैं। हाँ भाई, क्यों डरते हो? अगर जिन्नत आ जाएगा, मस्जिद में तो जिन्नत रहता है, इस वजह से घर में सब कमरे बनेंगे काम के लिए, लेकिन क्या है, मस्जिद के लिए कोई कमरा नहीं बनेगा, ये सही नहीं है। घर में एक हिस्सा नमाज के लिए भी होना चाहिए ताकि अल्लाह तबारक व ताला की इबादत हो और अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से अनवारात और बरकात घर में नाजिल हो। हम लोग घर में अनवार और बरकात के नाजिल होने का तो कोई हिस्सा रखते ही नहीं, उसकी जगह पर शयातीन और जिन्नात के दाखिल होने की सारी सूरतें बताते हैं, गाने बजाने, म्यूजिक वगैरह, और फिर कहते हैं घर में बरकत नहीं होती। घर में बरकत अगर करना है तो एक हिस्सा, एक जगह इबादत के लिए रखनी चाहिए। जी